विदिशा जिले के पठारी अंचल में श्री राम नवमी महोत्सव भक्ति श्रद्धा आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रातः काल से देर रात तक मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और सकीर्तन किया गया। इसी दौरान नगर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वावधान में विशाल एवं ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली गई। गुरुवार को प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी बजरंग दल के तत्वावधान में श्री राम नवमी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रातः काल से श्री राम जानकी राज मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। दोपहर 12 बजे महाआरती के पश्चात नगर में ऐतिहासिक एवं भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्री राम जानकी राज मंदिर से शोभा यात्रा प्रारंभ होकर श्री हनुमान मंदिर, बस स्टैंड, श्री राधा कृष्ण पोद्दार मंदिर, मुख्य बाजार होते हुए शोभा यात्रा श्री राम जानकी राज मंदिर में संपन्न हुई। शोभा यात्रा के आगे भगवान श्री रामचंद्र जी के रथ के साथ दो सुरक्षा कवच के रूप में दो क्लासिक गाड़ी शामिल हुई। शोभा यात्रा में सभी श्रद्धालु सफेद पोशाक और भगवा साफा बांधकर शामिल हुए। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।